एवरीवन, मैं हूं ज्योति जिसने अदर गर्ल। थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय। और आज के वीडियो में सबके साथ शेयर करने वाली हूं मेरी करंट फेवरेट सनस्क्रीन का रिव्यू, जो कि है एक्वालॉजिका की क्लियर प्लस इनविजिबल सनस्क्रीन। ये सनस्क्रीन को मैं 10 दिन से ज्यादा टाइम से यूज कर रही हूँ एंड आई हैव फॉलन इन लव विद दिस सनस्क्रीन। साल की बड़ी अच्छी शुरुआत हुई है बहुत ही अच्छे स्किन केयर प्रोडक्ट को यूज करके एंड आई थिंक कि आई हैव फाउंड वन ऑफ द बेस्ट सनस्क्रीन्स फॉर एक्ने प्रोन स्किन। यस, तो आगे आप पूरा वीडियो देखिए। अगर आप स्पेशली ऑयली एक्ने पिंपल प्रोन स्किन वाले हो तो पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और उनके साथ भी शेयर करिएगा जिनके लिए ये वीडियो यूजफुल हो सकता है। और चैनल पर नए तो ऐसे ढेर सारे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड नाउ लेट्स फटाफट से गेट स्टार्टेड। तो ये जो सनस्क्रीन है एक्वालॉजिका का जो क्लियर प्लस रेंज है, जो कि स्पेशली ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए उस रेंज की सनस्क्रीन है ये। इसमें SPF 50 प्लस PA++ रेटिंग है, मतलब कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन है जिसमें UVA और UVB दोनों रेस से प्रोटेक्शन मिलेगी हमारी स्किन को। साथ ही साथ में ये ब्लू लाइट प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है, मतलब जो ब्लू लाइट हमारे गैजेट्स, फोन, लैपटॉप, टैबलेट्स इन सब से निकलती है, उन ब्लू लाइट से भी ये हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करती है। ये जो सनस्क्रीन है ये प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन सेफ है, जो कि मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। क्योंकि बहुत सारे जो सनस्क्रीन होते हैं, लाइक बहुत सारे ऑप्शंस हट जाते हैं व्हेन यू आर प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग सनस्क्रीन्स के, तो ये जो सनस्क्रीन है ये प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन सेफ भी है। साथ ही साथ में ये सनस्क्रीन वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंट है। अब क्योंकि जैसा मैंने बताया आपको कि मैं 10 दिन के ऊपर से इसको यूज कर रही हूँ एंड सारे कंडीशंस में टेस्ट करके देख लिया एंड इट इज वाटर स्वेटर्स में, ऐसा नहीं है कि पसीना आएगा या फिर मतलब ऐसे करोगे आप तो कई होती है ना कैसे निकलने लगती है वो हाथ में, वो पता चलता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सनस्क्रीन के साथ। फटाफट से मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा दूं, तो इसका नाम ही है इनविजिबल सनस्क्रीन, तो ये बिल्कुल इनविजिबल ही हो जाती है स्किन में अप्लाई करते हैं। जब आप डेमो देखोगे तब आप देखना एंड फिलहाल आप देखो इसका एक क्लोजअप। तो कुछ इस तरीके के जेल बेस टेक्सचर में है ये और हल्की सी आप देख रहे हैं रनी साइड में इसकी कंसिस्टेंसी, तो बहुत ज़्यादा ये थिक नहीं है और क्विकली स्किन में अब्जॉर्ब हो जाती है। जब मैं इसको आपको डेमो दिखाऊंगी तब आप देखेगा क्विकली मेरे स्किन में अब्जॉर्ब हो जाती है। और इसको मैं 3 फिंगर रूल से नहीं अप्लाई करती हूँ, 2 फिंगर रूल से अप्लाई करती हूँ, आई थिंक कि दैट्स इनफ। और अगर आप कंफ्यूज होते हो ना कि कौन से रूल से अप्लाई करें, 2 फिंगर रूल या 3 फिंगर रूल, तो सबसे बेस्ट है ना कि आप सनस्क्रीन को पूरे स्किन पर ऐसे ऐसे डॉट करो और फिर जब आप उसको मसाज करोगे तो आपका पूरा का पूरा स्किन अच्छे से कवर हो जाना चाहिए। तो इतनी सनस्क्रीन आपको आपके स्किन पर अप्लाई करनी है। तो ये क्विक अब्जॉर्बिंग है और जैसा आपने देखा नो वाइट कास्ट एट ऑल, 100% ट्रांसपेरेंट इनविजिबल सनस्क्रीन है ये। तो वाइट कास्ट की तो कोई टेंशन लेनी ही नहीं है, चाहे आपकी कोई सी भी स्किन टोन हो, फेयर हो, डस्की हो, मीडियम हो, कोई भी स्किन टोन हो, वाइट कास्ट की टेंशन लेनी ही नहीं है। तो ये जो सनस्क्रीन है ना, इसकी अच्छी चीज ये भी है कि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स, मतलब इनकी जो पूरी क्लियर प्लस रेंज है, इसके जो की इंग्रेडिएंट है ये है ग्रीन टी एंड सैलिसिलिक एसिड, और दोनों ही जो इंग्रेडिएंट है ये ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं। जो पोर्स क्लॉग हो जाते हैं उनको अनक्लॉग करने का अच्छा काम करते हैं, पोर्स कंजेशन से हटाने का काफ़ी अच्छा काम करते हैं, जो एग्जिस्टिंग एक्ने हैं उन्हें हील करने का जल्दी से काम करते हैं, साथ ही साथ में आगे आने वाले एक्ने पिंपल्स को भी रोकने का काम करते हैं, एक्सेस सीबम प्रोडक्शन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। साथ ही साथ में इसमें हाइलुरोनिक एसिड है जो कि स्किन को हाइड्रेट करता है एंड प्लम्प एंड ड्यूई बनाता है। ऑल्सो ये जो पूरी की पूरी क्लियर प्लस रेंज है ये फ्रेग्रेंस फ्री एंड कलर फ्री है, अगेन ग्रेट फॉर पीपल हु हैव सेंसिटिव एंड एक्ने पिंपल प्रोन स्किन। फटाफट से मैं आपको दिखा देती हूँ सनस्क्रीन का एप्लीकेशन। तो फेस को मैं वॉश कर लेती हूँ। फेस वॉश के लिए मैं आजकल इसी रेंज का क्लियर प्लस स्मूदी फेस वॉश यूज कर रही हूँ। ये फेस वॉश जेंटल फेस वॉश है, यू गाइज नो विंटर में तो एकदम वैसे भी जेंटल फेस वॉश ही चाहिए रहता है, तो जेंटल फेस वॉश है, मेरी स्किन से एक्सेस ऑयल को निकाल देता है, मेरी स्किन ऑयली नहीं फील होती बट ड्राई नहीं फील होती, तो जेंटल है मेरी स्किन के लिए। और इसको अप्लाई करने के बाद स्किन काफी हाइड्रेटेड एंड रिफ्रेश्ड फील होती है। इस फेस वॉश में भी सैलिसिलिक एसिड एंड ग्रीन टी है, अगेन जो कि एक्ने प्रोन स्किन के लिए काफी अच्छा है एक्ने को रिड्यूस करने में
हेल्प करता है। उसके बाद सीरम मॉइस्चराइजर जो भी अप्लाई करना है अप्लाई कर, उसके बाद मैं अप्लाई करती हूँ सनस्क्रीन। जैसा मैंने कहा कि टू फिंगर रूल से मैं सनस्क्रीन को अप्लाई करती हूँ, एकदम क्लियर है, इनविजिबल है, तो व्हाइट कास्ट की कोई टेंशन ही नहीं होती है और बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती इसको ब्लेंड करने में। एकदम आराम से मसाज करते करते मेरी स्किन में ब्लेंड हो जाती है और बहुत ही स्मूथ सी मेरी स्किन फील होती है। छूने पर ऐसा लगता है कि कोई प्राइमर सा मैंने लगाया है, तो वैसी सी मेरी स्किन फील होती है इसको अप्लाई करने पर। और मेरी स्किन पे ये सेमी मैट फिनिश में सेटल होती है, कंप्लीटली मैट फिनिश में नहीं सेटल होती, ना ही बहुत ज्यादा चिपचिपी लगती है, सेमी मैट फिनिश में सेटल होती है, जो कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। स्किन मेरी ड्राई ड्राई नहीं फील होती, बहुत ही हल्की सी मॉइस्चराइज फील होती है, बट ऐसा मॉइस्चराइज नहीं फील होती है कि एकदम ही मुझे हैवी फील होने लगे या मेरी स्किन पे स्वेट आने लगे या फिर चिपचिपी लगने लगे। तो सेमी मैट फिनिश में सेटल होती है, स्किन बिल्कुल स्मूथ लगती है, जैसा लगता है कि कुछ प्राइमर वगैरह अप्लाई किया है। तो मेरा एक्सपीरियंस इस सनस्क्रीन के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है, मुझे बहुत अच्छे से सूट कर, स्पेशली मेरी एक्ने पिंपल प्रोन स्किन को ये बहुत अच्छे सूट कर रही है, बिल्कुल भी इरिटेट नहीं कर रही है, मेरे पोर्स को क्लॉग नहीं कर रही है। ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी इसकी। आई थिंक आई हैव फाउंड लाइक द बेस्ट सनस्क्रीन फॉर एक्ने पिंपल प्रोन स्किन। अभी विंटर चल रहा है, मेरी स्किन ऑयली भी नहीं है, कॉम्बिनेशन है राइट नाउ, और काफ़ी अच्छे से सूट करी मेरी स्किन को, ड्राई आउट वगैरह बिल्कुल भी नहीं कर रही है। एंड आई थिंक कि समर मानसून में तो हर स्किन टाइप वाले इसको आराम से यूज कर सकते हैं। फटाफट से मैं आपको इस सनस्क्रीन की प्राइस बता दूं, तो ये 549 रुपीज़ की आती है, जिसमें 50 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट मिल जाता है। और एक्वालॉजिका की वेबसाइट पर आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो, जो कि मैंने स्क्रीन पर मैंशन कर दिया है। ये कूपन कोड को आप एक्वालॉजिका.in पर यूज़ करोगे तो आपको इस पे या फिर एक्वालॉजिका के किसी भी प्रोडक्ट पे 20% का ऑफ मिल जाएगा। इस प्रोडक्ट को आप एक्वालॉजिका की वेबसाइट से तो खरीद ही सकते हो, उसके साथ ही साथ Amazon एंड Nykaa से भी परचेज कर सकते हो। तो जो भी कूपन कोड है, लिंक्स है, वो सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बता दूं आपको कि एक्वालॉजिका पीटा से सर्टिफाइड है एज अ वीगन एंड क्वालिटी फ्री ब्रांड, साथ ही साथ में एक क्लीन ब्रांड है, मतलब इनके प्रोडक्ट्स में कोई भी सल्फेट, पैराबिन, मिनरल ऑयल्स नहीं होते हैं। एक्वालॉजिका ने डेवलप करी हुई है यूनिक वाटर लॉक टेक्नोलॉजी, मतलब उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो स्किन में वाटर को लॉक कर देते हैं, सील कर देते हैं, जिससे स्किन हो जाती है इंस्टेंटली हाइड्रेटेड एंड ग्लोइंग। सो एक्वालॉजिका नॉट ओनली ब्रिंग्स बैक द लॉस्ट वाटर टू आवर स्किन बट ऑल्सो टू द कम्युनिटीज वो आर इन नीड ऑफ क्लीन वाटर। दे हैव अ कमिटमेंट ऑफ फ्रेश वाटर फॉर ऑल। जब भी हम उनकी वेबसाइट से कुछ बाय करेंगे, हम हेल्प करेंगे उनकी जो कि जिनको ज़रूरत है क्लीन वाटर की, एक्वालॉजिका एक्सेस कराएगा उन्हें क्लीन वाटर। सो या ये था मेरा रिव्यू एक्वालॉजिका के क्लियर प्लस इनविजिबल सनस्क्रीन के लिए। अगर आपने इसको यूज़ करा तो कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपके लिए कैसा काम कर रही है, अच्छा बुरा, जैसा भी काम करी कमेंट ज़रूर करेगा। मुझे तो ये बहुत 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 ज़्यादा अच्छी लग रही है। अभी तो बस साल की शुरुआत हुई है, बट आई कैन से कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्किन केयर प्रोडक्ट्स आई हैव यूज इन 2023। अभी तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करना बाकी है, बट दिस तो आई एम गोइंग टू रीपर्चेज। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छी सनस्क्रीन है, मेरी तरफ से बिग थम्स अप है। आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को भी बिग थम्स अप दे दीजिएगा। और बस हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर एंड चीयर्स।